दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रामायण का एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। प्रसंग है सीता स्वयंवर का। सीता स्वयंवर में शिव धनुष रखा गया, जिसको तोड़ने के बाद में विजेता घोषित किया जाएगा। अंततः शिव धनुष तोड़ भी दिया जाता है। शिव धनुष टूटने के बाद में अचानक से सभा में आते हैं श्री परशुराम जी। श्री परशुराम संवाद करते हैं, संवाद करते करते उनकी क्रोधाग्नि ग्रेजुअली बढ़ते जाती है। इसी क्रम में कई सारे दरबारी जाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी क्रोधाग्नि को शांत कीजिए। लेकिन भगवान श्री परशुराम का जो गुस्सा होता है वो बढ़ते जाता है। फिर भगवान श्री राम जाते हैं, उनको समझाते हैं। तब जाकर कहीं भगवान श्री परशुराम के फेस पर स्माइल आती है। कहने का मतलब ये है कि आखिरकार भगवान श्री राम ने उनसे ऐसा क्या कहा कि भगवान श्री परशुराम का गुस्सा शांत हो गया। तो इस फैक्ट को या इस सिचुएशन को हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं परसुएशन, कि अल्टीमेटली भगवान श्री राम ने ऐसा कुछ किसी वे में कहा कि भगवान श्री परशुराम उनकी बात को समझ गए और उनका गुस्सा शांत हो गया। अल्टीमेटली भगवान श्री राम ने उनको परसुएट कर लिया और अपनी बात उनसे मनवा ली। आइए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में परसुएशन होता क्या है। फ्रेंड्स, मैं संदीप पवार सुनील पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि परसुएशन होता क्या है। एक्चुअल में जब भी हम लोगों को इंपैक्टफुल परसुएशन करना होता है, तो एक तो परसुएशन का पर्पस होता है हम लोगों का। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ परसुएशन? द पर्पस ऑफ परसुएशन इज टू चेंज समवन्स एटीट्यूड इन आवर फेवर। दैट मींस कि मैं सामने वाले को कुछ कह के अपनी बात मनवाना चाहता हूं या उसके एटीट्यूड को अपने फेवर में चेंज करना चाहता हूं। इस पूरी प्रोसेस को हम एक सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं, विच इज हु सेज व्हाट टू हुम, अर्थात किसने कैसे किसको कहा। इसमें तीन की वर्ड्स होते हैं, तीन की फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हु, अर्थात कि जो हम लोगों का परसुएटर है, दैट मींस जिसको अपनी बात डिलीवर करनी है, जिसको सामने वाले को परसुएट करना है, वो होना चाहिए एक बंदा। सेकेंड होता है व्हाट, किसने कहा, क्या कहा, दैट मींस क्या वो कैसे अपनी बात को सामने वाले तक डिलीवर करेगा। आफ्टर दैट हम लोग थर्ड फैक्टर देखते हैं, विच इज हुम, किसको कहा। भाई जब तक ये तीन चीजें नहीं होगी तब तक हम लोग सामने वाले को परसुएट नहीं कर सकते। अब आइए हम लोग वन बाय वन इन तीनों चीजों को देखते हैं। फर्स्ट इज हुम। हु का मतलब होता है कि एक कोई बंदा है जो सामने वाले को परसुएट करना चाह रहा है, दैट मींस वो हुआ मैसेंजर, जो अपना मैसेज सामने वाले तक सेंड करेगा, उसको पहुंचाएगा और उस मैसेज को सुनकर सामने वाला जो बंदा होगा वो परसुएट होगा। तो एक जो मैसेंजर होता है हम लोगों का या जो हु है यहाँ पर, वो क्या है या कैसा होना चाहिए, यहाँ पर अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे। जो सामने वाला बंदा होगा या हम लोग का जो मैसेंजर होगा वो होना चाहिए ट्रस्टवर्दी। दैट मीन्स आप लोगों ने महाभारत में एक प्रसंग ध्यान होगा आप लोगों को, जिसमें श्री अश्वत्थामा की डेथ का एक प्रसंग रचाया जाता है। और उस स्वांग में होता क्या है, श्री युधिष्ठिर से बुलवाया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि युधिष्ठिर ही क्यों? युधिष्ठिर इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर इज द ट्रस्टवर्दी मैन, ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, इंटीग्रिटी है उनमें, वो जो अपनी बात बोलते हैं तो उसमें क्या है, सच्चाई है। इसलिए उनको उस मैसेज को सेंड करने के लिए पहुंचाया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि सर वे ऑफ मैसेज क्या होगा, कैसे उसने बात अपनी कही होगी उन्होंने। इसके लिए मैं आप लोगों को एक मूवी का सीन याद दिलाना चाहूंगा, विच इज रांझणा। रांझणा में आप लोगों को ध्यान हो, कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को जाके पुलिस वाले कई टाइम तक समझाते रहते, बट उन तक अपना मैसेज वो परस्यू कर नहीं पा रहे। फिर क्या होता है, धनुष जो कि मेन कैरेक्टर है उस मूवी का, वो जाते हैं उनसे अगेन कुछ ऐसा कहते हैं, किस वे में कहते हैं कि जाकर प्रोटेस्टर्स उनकी बात को मान जाते हैं। नाउ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने मैसेज को जो डिलीवर किया वो कैसे किया, वो जो डिलीवरी की है उन्होंने मैसेज की, किस वे में करी है। भाई फार्मर्स है तो आपको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज हुम, किसको कहा। आप फार्मर्स के सामने जाके इंग्लिश में कोई सेंटेंस या कोई बात समझाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उनको समझ में आएगा नहीं। दैट इज वाई जब भी हम लोग सामने वाले को परसुएट करें तो हम लोग ये भी ध्यान रखें कि एक्चुअल में हमारी जो ऑडियंस है जिसका परसुएशन करना है वो कौन है, क्या है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, ये सब चीजें भी हम लोगों को देखनी होती है। होप सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही
नए नए फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हम लोगों से। धन्यवाद।